धर्मांतरण करने पर एससी की तरह एसटी का भी आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति से हटाकर उन्हें प्रदत्त आरक्षण का लाभ समाप्त करने की मांग की। मंच के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। ज्ञापन में मंच के संयोजक अम्बालाल ने बताया कि धर्मांतरित जनजातियों को आरक्षण सुविधा दिए जाने के विरुद्ध तत्कालीन जनजाति नेता व लोकसभा सदस्य केंद्रीय स्वर्गीय उराव द्वारा इंदिरा गांधी के समय 1970 में आवेदन दिया गया था। इसको 50 वर्ष हो चुके। जनजाति समाज की अवस्था को देखकर उन्हें जो पीड़ा हुई उसे देखते हुए 20 वर्ष की काली रात नामक पुस्तक भी लिखी गई। उस आवेदन को लोकसभा पटल पर रखा गया, न ही उसे खारिज किया गया था बल्कि ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिस पर लोकसभा के 348 सदस्यों ने हस्ताक्षर से युक्त आवेदन संबंध में गुरुवार को पुनः याद दिलाया गया। सुरक्षा मंच के बैनर तले माननीय ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो जनजाति के अंदर से धर्मांतरित हो गए हैं, जो हमारी संस्कृति रीति रिवाज पूजा पद्धति को नहीं मानते हैं, उनको हमारे आरक्षण से हमारी सुविधाओं से बाहर किया जाए और संविधान में संशोधन करके और उनको हमारी जो सुविधाएं मिल रही है उनसे वंचित किया जाए। इस संबंध में हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन द्वारा कलेक्ट किया गया है।